अम्मा बाद फौज बिल्लाह इन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जनाब जलसा मेरे मुअज्जज असातिज़ा किराम और प्रिंसिपल साहब और मेहमान किरामी और मेरे जनाब इस्लामिक मॉडल स्कूल के मेहते चेकते बुलबुल अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे लफ्ज़ शेयर करने का मौका मिला है उसका उन्होंने मेरी पहचान पाकिस्तान सामिक्रामी मेरी पहचान पाकिस्तान मेरा ईमान पाकिस्तान मेरी पहचान पाकिस्तान मेरा ईमान पाकिस्तान मेरी ये आन पाकिस्तान राय नजर की मंजिल में मेरा साधु सामान पाकिस्तान मेरी इज्जत इससे है मेरा ईमान पाकिस्तान मेरी इज्जत इससे है मेरा ईमान पाकिस्तान गमों के देर में मेरी शान पाकिस्तान जनाब सदर इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान कायद की जद्दोजहद पाकिस्तान फातिमा जिन्ना का प्यारा पाकिस्तान जी हाँ ये वही पाकिस्तान है जिसके हुसूल के लिए सौ नहीं हजार नहीं बल्कि लाखों लोगों ने वतन को चूमा लेला आरफ के गले लगाया उनके मां के सामने उनके जिगर गोशों को जंजीरों में जकड़ा गया। शहीदों की जमीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं शहीदों की जमीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं ये पंजरों के भी बुजुर्ग कभी पहचान नहीं करते। जनाब अली किसी बेगर से पूछे घर की कीमत किसी गुलाम परदेसी से पूछे आजादी और वतन की कदर तो तब एहसास होगा जिस पाक सरजमीन पर आज हम रह रहे हैं रब्बुल कायनात की कितनी बड़ी मेहरबानी और कितने बड़ा इनाम है। दश्त दरिया भी न छोड़े हमने बेरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जनाब सदर आज हम सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या थे और क्या बन गए। मेरे नौजवान साथियों आए आदत करें अपने वतन को जलने नहीं देंगे अपने वतन को यूं बिखरने नहीं देंगे बल्कि मिलकर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान हमारी आन है हमारी शान है। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। वतन की आन पर अपना लहू बिखेरेंगे वतन की आन पर अपना लहू बिखेरेंगे हर एक जुल्म की आंधी पर अपना लहू बिखेरेंगे। इस मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें इस मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें इस मट्टी का जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। वस्सलाम।